सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों बहुत से हमारे सब्सक्राइबर जो हैं हमको कमेंट या फिर आपको मेल भी करते हैं बहुत सी बारे में। मैं कोशिश करता हूं कि हर उसको एक वीडियो बना के कि एक एक आदमी की रिप्लाई देने में हमको टाइम लगता है और उसमें क्या हमको पास उतना टाइम नहीं, क्योंकि हमारा भी एक जॉब है वो भी देखना है। अभी भी आप देख रहे हैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं ड्यूटी पे हूँ, मगर बताना जरूरी है, टाइम की भी बचत नहीं है। इसी बारे में एक सब्सक्राइबर हमसे पूछा था कि सर कौन सा प्रजाति की बकरी हम पाले। ये कम से कम हमको लगता है 3 से 4 आदमी पूछे हैं कौन सी प्रजाति की बकरी पाले। तो मैं उनको पहले बता दूं तो मैं तो नहीं जान रहा हूं कि किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में वो रहते हैं, किस जगह पर, किस राज्य में वो रहते हैं, मगर कभी भी आप सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आपके एरिया में कौन सी बकरी की नस्ल मिलती है। सबसे पहले कोशिश वो कीजिए। अगर आप नए बकरी पालन करना जा रहे हैं, आप कभी भी अपने एरिया की बकरी जो होती है आपके जगह की उससे लेकर चालू कीजिए। मालूम है कि उसमें आपको बेनिफिट कम होगा मगर लागत भी उसमें कम लगेगा। कुछ दिन के लिए मैं बोल रहा हूं, 1 साल के लिए, एक बार जो बच्चा पैदा कर दे उसको, जो बच्चा बड़ा हो जाए उतना टाइम के लिए बस। क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट से लेकर आ रहे हो, दूसरे राज्य से लेकर आ रहे हो, उसका क्लाइमेट सेट होगा नहीं होगा मालूम नहीं। अगर आप 1.5 लाख रुपया का बकरी लेकर चल आए, 10-12 बकरी बड़ी नस्ल की, अगर वो उसको क्लाइमेट सेट नहीं हुआ, कुछ अगर हो गया, मर गई या तबीयत खराब हो गया, तो आप तो बर्बाद हो जाइएगा। और आप तो कोई बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं कि मुश्किल नहीं 1-2 लाख रुपया लगाया डूब गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि छोटे किसान, छोटे मजदूर, जिनके लिए 1 लाख रुपया तो बहुत है, उसके लिए मैं बनाता हूं, वो लोग आगे बढ़े। बड़े जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है बड़े, तो उन लोग के लिए दिक्कत नहीं है, 1-2 लाख 5 लाख रुपया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं छोटे किसान ये सब बकरी फार्म करें, बहुत से बिजनेस छोटे वो करें, कर कर उसमें वो लोग पैसा कमाए और अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। तो मैं यही बता रहा था कि कोई भी नस्ल आपके देसी एरिया में, जो लोकल एरिया में जो मिल रहा है, उसको आप लेकर पाल सकते हैं और पता करें कि अगल बगल में आपके यहाँ किधर बकरी फार्म है, वहां पर भी जाकर आप विजिट करें, देखें, कुछ जानकारी करें। बहुत से बकरी फार्म में तो 400-500 रुपया फी भी होता है, आप उस फीस को करके मगर जानकारी अच्छा से ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि YouTube के वीडियो देख के आप बकरी फार्म करने को मत सोचें। सिर्फ हम लोग आपको या कोई भी बहुत से वीडियो है जानकारी देते हैं, मगर आपको कन्फर्म जानकारी उस बकरी फार्म से ही मिलेगा। जरूर 1-2 बकरी फार्म पे आप विजिट कीजिए, 400-500 रुपया खर्चा होगा मगर विजिट जरूर कीजिए और ट्रेनिंग लेने की कोशिश कीजिए। ट्रेनिंग से आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हैं इंजेक्शन लगाने का, जो भी टीका देने का, जो भी है दवा देने का, उससे क्या होगा, आपका डॉक्टर का पैसा बचेगा। डॉक्टर का थोड़ा सा भी एक बकरी कुछ हुआ आप डॉक्टर मंगाएगा 200-300 रुपया लेके जाएगा वो, तो ये सब आपको बेनिफिट होगा। क्या खिलाना है उसको, क्या खिलाना है, तब आप ये सब पर ध्यान दीजिए, समझे। हम लोग सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं, आप अपने लोकल एरिया में जाकर जो बकरी फार्म है वहां पर पता कीजिए। फिर आपका जब बकरी थोड़ा सा ग्रोथ आप कर जाते हैं तो आप लेकर आइए बाहर से, 2-4 बकरी लेकर आइए, फिर उसको पालिए, फिर दूसरी नस्ल को लेकर आइए,
जो भी आपके एरिया में पहले है आप उसको कीजिए। और यही होता है कि ज्यादा बहुत से स्टेट में वही है कि जो उस देसी एरिया में जो बकरी या बकरा रहता है तो बकरा वो लोकल ही ज्यादा डिमांड होता है, समझे। यही सब छोटी सी आपको जानकारी थी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या जानकारी चाहिए, फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना के डाल दूँ। थैंक यू फॉर